मॉडर्न लाइफस्टाइल और रोजमर्रा की भागदौड़ में महिलाओं के साथ जो चीज सबसे ज्यादा सफर करती है वो है उनकी अपनी हेल्थ। पूरे परिवार का ख्याल तो वो रख लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ देती हैं। आज हमारे साथ स्लैब में जुड़ी हैं योगाचार्य कविता जोशी जी, जिनसे आज हम बात करेंगे विमेन के हेल्थ के बारे में। हाय कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर ऑन स्लैब। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की भागदौड़ है, इसमें विमेन किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आती है? आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। लाइफस्टाइल में लेट नाइट जागना, सुबह देर से उठना और फिर किसी भी टाइम पे कुछ भी खाना। मेरे पास 20 to 21 ईयर्स की बहुत सी ऐसी गर्ल्स आती हैं जो ये बोलती है कि अब हमें रात को नींद ही नहीं आती है, क्योंकि हमारी ये हैबिट हो गई है कि हम रात को जागते ही थे, हमने पढ़ाई के टाइम पे या व्हाटएवर, अब उनको रात को नींद ही नहीं आती है। अब उससे क्या हो रहा है, मूड स्विंग्स सबसे बड़ा इशू लड़कियों का, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स इतना ज्यादा हो गया है लड़कियों में, और फिर ये पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है उस वजह से। तो ये सब के लिए उनको अपना खान पान और थोड़ा सा लाइफस्टाइल और थोड़ा सा अपने एक घंटा अपने शरीर के लिए जरूर देना चाहिए। अच्छा, इरेगुलर मेंसेस आपने जो टॉपिक उठाया उसको भी डाइट वगैरह के साथ में ठीक किया जा सकता है, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप अपना शरीर का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इस टाइम पे मैं जो नोटिस कर रही हूँ, मेरे पास जो लड़कियां आती हैं, उनमें जो यंग गर्ल्स हैं, इस टाइम पे ये प्रॉब्लम 70% लड़कियों को हो गई है कि टाइम पे नहीं होता है, दो महीने का गैप हो जा रहा है या फिर बहुत ज्यादा है, और वो पेन में क्या, आज के लड़कियों का इतना ज्यादा काम है कि वो क्या कहते हैं, पेन किलर्स खा लेते हैं जी, और वो पेन किलर्स खाते ही वो बोलते हैं कि अब हमें पीरियड्स नहीं हो रहे, मतलब आधा दिन हुआ या वन डे हुआ कि अब पीरियड उसके बाद हुए ही नहीं। तो पेन किलर नहीं खाना, नहीं खाना चाहिए। फिजिकल भी स्ट्रेस है, भागदौड़ है, लेकिन इमोशनल और मेंटली भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एक टाइम था वो जब हम कहते थे कि फिजिकली फिट रहने के लिए आप कोई एक्सरसाइज करो या फिर योगा करो, कोई भी वर्कआउट करो, लेकिन अब इतनी भाग दौड़ है, इतना काम का स्ट्रेस है कि हमें फिजिकली ही फिट नहीं रहना है, हमें इंटरनली भी फिट रहना है। और इंटरनली फिट रहने के लिए प्राणायाम मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जरूरी नहीं है आपको एक घंटा दो घंटा निकालें, आप आधा घंटा निकालिए और 10 से 15 मिनट सिर्फ अपना प्राणायाम कर लीजिए, जिसमें आप हल्का कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। भ्रामरी और अनुलोम विलोम का, ओम का उच्चारण, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपको दिन भर स्ट्रेस फ्री भी रखेगा। और क्या क्या बीमारियां हैं जो विमेन को आप देखती हैं पर्टिकुलरली कि उनको ज्यादा इम्पैक्ट करती है? बैक इश्यूज बहुत ज्यादा है, 35 की एज के बाद बहुत सी लेडीज को जो मेरे पास आती है, बहुत सी लेडीज को बैक की इश्यूज हैं जी, तो एटलीस्ट उनको बैक का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपनी। और उसके लिए हम जो आसन कर सकते हैं, बहुत सिंपल आसन है, कोई बहुत टफ आसन नहीं है। इजीली आप मरकट आसन कर सकते हो, मरकट आसन के दो वेरिएशन है, इजीली आप उन दो वेरिएशन को आप कर सकते हो। और आप भुजंग आसन कर सकते हो, भुजंग आसन के दो वेरिएशन आप इजीली कर सकते हो। और सीवियर बैक पेन नहीं है तो आप धनुरासन भी कर सकते हो, और अगर सीवियर बैक पेन है तो धनुरासन नहीं करना है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन एक पार्ट हुआ, और एक और पार्ट है जो हम खाते हैं, वी आर व्हाट वी ईट। तो विमेन जो है उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अपने हेल्थ को देखते हुए क्या क्या चीजें उनको अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए? देखिए, मैं जो सजेस्ट करती हूँ अपने जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं उनको, कि आप कच्चे सब्जियां या फिर फ्रूट्स को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। ये क्या होता है कि हम जनरली सुबह उठे, लेडीज जितनी मेरे पास आती हैं बोलती हैं सुबह उठे और सबसे पहले चाय पीते हैं जी, और वो बहुत ही खराब करता है। अच्छा, लेकिन चाय बिस्किट तो सभी लोग सुबह उठते हैं, लेकिन वो पेट के लिए बहुत ही खराब करता है। तो क्या उसको किस चीज से रिप्लेस करना आप चाहिए? उसको गर्म पानी से रिप्लेस करिए, उसको नींबू पानी से रिप्लेस करिए, उसमें हनी डाल सकते हैं आप, थोड़ा वार्म करके उसमें हनी डाल सकते हैं, लेकिन चाय सुबह के टाइम बहुत पेट को खराब करता है। उसके बाद आप जो भी 2 से 3 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए जी, जितने बजे भी आप उठ रहे हैं उससे 2 से 3 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया जा सकता है? देखिए, ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ऐसा खाइए जो फ्रेश हो, जैसे बहुत ज्यादा पैकेट फूड में मत जाइए जी, क्योंकि आजकल क्या होता है कि वो कॉर्नफ्लेक्स निकाला, दूध में डाला और क्विकली खा लिया, तो ये बहुत ज्यादा पैकेट फूड को हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं। हम लोग कहते हैं फ्रेश खाओ, चाहे अभी हमारे यहाँ पे देहरादून में इस टाइम दिवाली के बाद पे मंडुए का आटा बोला जाता है। अच्छा, और वो फुल ऑफ कैल्शियम है जी। तो उसको बोला, अगर आप उसकी रोटी खाएंगे तो आपको तो एक्स्ट्रा कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं है,
अगर आप कुछ और नहीं भी बना पा रहे हैं तो सिर्फ मंडुए की रोटी बनाओ या बाजरे की रोटी बनाई और उसके ऊपर थोड़ा बटर और तो बटर जरूरी लगाया। लड़कियां बहुत भागती हैं, नहीं गर्ल्स ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक एज के बाद इतनी ड्राइनेस हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। अच्छा। इसलिए हमें घी या बटर थोड़ी क्वांटिटी में जरूर लेना चाहिए। तो लड़कियां जो डाइटिंग पर रहती है वो स्पेशली ये नोट्स जरूर ले। एनीथिंग एल्स जो आप लड़कियों को यहाँ पे मैसेज देना चाहेंगी स्लैब के प्लेटफॉर्म के जरिए? जाते जाते मैं अपने स्लैब के व्यूअर्स को इतना कहना चाहूंगी कि अपने रोजमर्रा की लाइफ में, अपने रूटीन में, अपने शेड्यूल में एक घंटा अपने शरीर को जरूर दें। जितना टाइम आप अपने, स्पेशली लेडीज को मैं कहूंगी, जितना टाइम आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं या अपने हस्बैंड को दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें से 1 आवर अपने शरीर को जरूर दें, अपनी हॉबीज को जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।